इस फिल्म की शुरुआत होती है एक साउथ पैसिफिक ओशन के एक शिप से। दौर चल रहा है 1893 का। मिसेस सारा हारग्रेव एक विडो है, उनके साथ उनकी छोटी डॉटर है लिली। अचानक से इस शिप के कैप्टन को दूर से एक छोटी बोट में रिचर्ड और एम्बुलेंस दिखते हैं, साथ में उनका बच्चा भी है। बच्चा पैडी तो ठीक है, पर रिचर्ड और एम्बुलेंस ने दम तोड़ दिया है। इन दोनों ने उन बेरीज को ज़्यादा मात्रा में खा लिया था, इस वजह से उनकी जान चली गई। इन दोनों को यहाँ क्रिमेट कर दिया जाता है, जबकि पैडी को मिसेज सारा हारग्रेव ने अपने पास रख लिया है। सारा ने पैडी को नाम दिया है रिचर्ड। अब रिचर्ड और सारा की बेटी लिली एक भाई बहन की तरह रहते हैं। तभी शिप पर बुरी खबर आई है, यहाँ कॉलरा बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया है कि सारा और इन दोनों बच्चों को बचाने के लिए एक बोट में यहाँ से दूर इन्हें भेज दिया जाए। सारा पूछती है कि इस समंदर में वो इन दोनों को लिए कहाँ जाएगी, पर उसे बताया जाता है कि अगर सारा रिचर्ड और लिली के साथ इस शिप पर रहेगी तब ना सिर्फ अपनी बल्कि इन बच्चों की जान भी गंवा देगी। इस तरह सारा और बच्चों को छोटे बोट पर भेज दिया गया है। इनकी मदद के लिए करनी को भेजा गया है। करनी बड़ा रूढ़ है, उसे इन बच्चों के रोने की आवाज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही। वो सारा से इन्हें चुप कराने को कहता है। सारा कोशिश करती है पर वो इन्हें चुप नहीं करा पाती। करनी बच्चे को पानी में फेंक कर मार देना चाहता है, इससे उसके रोने की आवाज़ें उसे सुननी नहीं पड़ेंगी। जब वो ऐसा करने जाता है तब सारा उस पर वार करती है। उसके कई वारों से करनी की जान यहीं चली गई है। इस तरह ये तीनों उसी आइलैंड पर पहुंचे हैं जहां रिचर्ड और एम्बुलेंस पहुंचे थे। पर उनका बच्चा रिचर्ड जैसे इस जगह से भली भांति परिचित हो, वो अपना घर देखता है। उसे याद आया कि उसकी माँ यहाँ रहती थी। अपनी माँ को ढूंढने वो इस घर में जाता है। सारा भी लिली को लिए उसके साथ जाती है। सीढ़ियों पर चढ़कर घर में रिचर्ड अपनी माँ को ढूंढ रहा है। सारा उसे संभालते हुए कहती है, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। मैं जानती हूँ कि यहाँ तुम रहते थे, अब से हम तीनों यहाँ रहेंगे। मैं तुम दोनों को रेस करूँगी, तुम दोनों ही अब मेरे बच्चे हो। इस तरह तीनों ने अब साथ में रहना शुरू कर दिया है। इन्हें नारियल पानी ईजिली मिल जाता है। यहाँ केले के पेड़ बहुत हैं। सारा पास के समंदर के खतरनाक जीवों को मार देती है ताकि उसके बच्चों को हानि ना पहुँचा पाए। इन्होंने लकड़ी और झाड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाने का अरेंजमेंट भी किया है ताकि अगर कोई शिप यहाँ से गुजरे तो वह आग देखकर इनकी हेल्प के लिए आ जाए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। लिली नोटिस करती है कि उसके अंग रिचर्ड के अंगों से अलग कैसे हैं। वो सारा से इस बारे में बताती है। सारा कहती है, तुम एक लड़की हो जबकि रिचर्ड एक लड़का। कुदरत ने मर्द और औरत को अलग अलग तरह से बनाया है। यहाँ सारा मर्द और औरत के काफ़ी डिफरेंसेस को बताती है। वो लिली से ये भी बताती है कि कुछ सालों के बाद लिली के पीरियड्स भी शुरू होंगे, उसके प्राइवेट पार्ट से रक्त निकलेगा। पर यह घबराने की बात नहीं है, ये सब लड़कियों के साथ होता है। लिली पूछती है कि उसके साथ क्यों होगा, रिचर्ड के साथ क्यों नहीं। सारा बताती है कि कुदरत ने मर्द और औरत को इसी तरह बनाया है। सारा यहाँ शादी के बारे में बताती है और ये बताती है कि मर्द और औरत के साथ रहने से बच्चे का जन्म होता है और ये बच्चा औरत के पेट में बड़ा होता है। लिली को ये भी पार्शियलिटी लग रही है। वो पूछती है कि मर्द और औरत के साथ रहने से भला नया क्रिएचर कैसे पैदा हो सकता है। सारा इस सवाल को टाल जाती है। वो इस बारे में इन दोनों को अभी नहीं बताना चाहती। धीरे धीरे इन दोनों को काफ़ी साल हो गए हैं। सारा ने दोनों को रेस करते हुए बाइबल के बारे में भी इन्हें बताया है। फुल मून को काउंट करके साल कैसे गिने जाते हैं ये भी सिखाया है। वो जानती है कि फुल मून की नाइट को जंगल के आदिवासी लोगों का बलिदान करते हैं, इसलिए जब भी फुल मून नज़दीक आता है वो रिचर्ड और लिली को बाहर नहीं निकलने देती। एक दिन बारिश तेज़ होने की वजह से इनके घर की छत गिर जाती है। सारा इसे रिपेयर करती है, पर तेज़ बारिश की वजह से उसे निमोनिया हो गया है। कुछ दिनों में उसे रियलाइज़ हुआ है कि अब वो नहीं बचेगी। उसे चिंता है तो बस अपने बच्चों रिचर्ड और लिली की। सारा इन दोनों को लिए घर के नज़दीक के लोकेशन पर जाती है। वो कहती है, अब मैं मरने वाली हूँ, पर मरने के बाद भी मैं तुम दोनों की देखभाल करती रहूँगी। मैं एंजल बनकर तुम दोनों की देखभाल करूँगी। तुम दोनों मुझे यहीं गाड़ना, यहाँ से मैं इस घर को देखती रहूँगी। सारा के मरने के बाद उसके कहे अनुसार रिचर्ड और लिली सारा को क्रिमेट कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी हर इच्छा जैसे फूल रखना वगैरह वगैरह सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। अब धीरे धीरे जब ये दोनों बड़े होने लगे हैं तब इनकी बॉडी में चेंजेस आने लगे हैं। लिली अब अपने अंगों को रिचर्ड से छुपाती है। एक सुबह जब वो सोकर उठी है तब अपने प्राइवेट पार्ट से रक्त निकलते हुए देखती है। वो ये समझ जाती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं। वो इन कपड़ों को पानी में फेंकने जाती है। रिचर्ड उसे सवाल करता है कि लिली को आखिर क्या हो रहा है। लिली उसे सारा की पीरियड्स वाली बात को याद दिलाती है। लिली अकेले में अपने ही अंगों को देखती है।
रिचर्ड भी छिप छिप कर लिली के अंगों को देख कर आकर्षित होता है। वो लिली से कहता है कि आखिर दोनों पहले के जैसे क्यों नहीं रह सकते, साथ में डांस क्यों नहीं कर सकते। लिली उसकी इस जिद को पूरी कर देती है, वो उसके साथ डांस करती है। दोनों का अक्सर समय साथ में फिशिंग करते हुए, स्विमिंग करते हुए और इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने में बीत जाता है। एक दिन ये एग ढूंढने का कंपटीशन रखते हैं, जो ज़्यादा एग्स ढूंढेगा वो जीत जाएगा। लिली इस कंपटीशन को जीत जाती है। लिली को खुश करने के लिए रिचर्ड समंदर के अंदर गोता लगाता है, वो उसके लिए मोती लाया है। लिली इसे देखकर बड़ी खुश होती है। लिली अक्सर इस मोती को अपने माथे पर लगा कर रखती है। अगले दिन रिचर्ड ने शार्क से रेस लगाई है, वो इस रेस को भी जीत जाता है। लिली को रिचर्ड का इस तरह खतरनाक स्टंट करना अच्छा नहीं लगता। रिचर्ड भी अपने अंदर बहुत से बदलाव महसूस कर रहा है। एक सुबह जब वो उठा है तब उसके प्राइवेट पार्ट्स में तनाव है, उसे काफ़ी मूड स्विंग महसूस हो रहे हैं। लिली उसे पूछती है कि आखिर रिचर्ड को क्या हो रहा है। रिचर्ड अपने अंग को छिपाने की कोशिश करता है। बाद में रिचर्ड उसके साथ चुंबन क्रिया करने जाता है। लिली को ये अच्छा नहीं लगता, वो कहती है कि अब से रिचर्ड को अपना बिस्तर दूसरे रूम में लगाना चाहिए। रिचर्ड ऐसा करता तो है, पर वो लिली से नाराज़ है, वो उसे छोड़कर जा रहा है। लिली उसे नहीं जाने की रिक्वेस्ट करती है। रिचर्ड कहता है कि तुम अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। वो अब आइलैंड के उस पार जा रहा है। लिली उसे रोकते हुए कहती है कि उनकी माँ ने लॉ बनाया था उधर नहीं जाने के लिए। रिचर्ड कहता है कि वो तुम्हारी माँ थी, मेरी नहीं। आज फुल मून है। रिचर्ड आइलैंड के उस पार जाता है। यहाँ वो रॉक पर बने एक स्टैचू को देखता है। इसके बाद यहाँ आदिवासी आते हैं, वो अपना रिचुअल परफॉर्म करते हैं। यहाँ वो किसी की बलि देते हैं और फिर चले जाते हैं। रिचर्ड अपने शरीर पर मिट्टी लगाता है। इसके बाद वो भी इनके जैसा लग रहा है। इधर लिली रिचर्ड को लेकर परेशान है, उसे एहसास हो रहा है कि उसे रिचर्ड की हर बात मान लेनी चाहिए थी। इधर रिचर्ड जब स्टैचू के पास जाता है तब एक आदिवासी आकर उसे देख लेता है, पर वो रिचर्ड को अपने ही बीच का समझकर छोड़ देता है। रिचर्ड भागता हुआ लिली के पास पहुंचा है और इस बारे में लिली को बताता है। लिली कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। रिचर्ड भी कहता है कि वो लिली के लिए ऐसी ही फीलिंग्स रखता है। दोनों को याद आता है कि इनकी माँ ने इनसे कहा था मर्द और औरत के बीच शादी भी होती है। इस तरह दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अब दोनों का ज़्यादातर समय संभोग करते हुए बीतता है। एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने में इन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। अब दोनों का एक दूसरे के प्रति नज़रिया बदल गया है। ये नोटिस करते हैं कि समय के साथ साथ दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी फीलिंग्स में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पहले ये भाई बहन की तरह रहते थे, फिर इनमें दोस्ती हुई और अब ये एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट हैं साथ में रहने के लिए। कुछ समय बाद एक शिप यहाँ पहुँची है। दोनों इस शिप को अपने बनाए दूरबीन से देखते हैं। ये देखते हैं कि लोगों के साथ एक लड़की भी है, ये इनसे मिलने जाते हैं। इस शिप के कैप्टन की बेटी है सिल्विया। कैप्टन इन्हें कहता है कि वो इन दोनों को वापस अपने साथ अपनी सिविलाइजेशन में ले जाने के लिए तैयार है, पर उसके पहले यहाँ फिशिंग करना चाहते हैं, इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ से इन्हें जो भी कीमती सामान मिल सके वो उसे ले जाना चाहते हैं। रिचर्ड और लिली इसके लिए एग्री कर जाते हैं। सभी रात को डिनर करते हैं साथ में। धीरे धीरे सिल्विया इन दोनों को अपने यहाँ के कल्चर, कपड़े पहनने का ढंग, इन सब से रूबरू कराती है। जब लिली समंदर में निर्वस्त्र होकर नहाती है तब सिल्विया का फादर उसे देखकर आकर्षित होता है। वो उसे वासना भरी निगाहों से देखता है। सिल्विया अब अक्सर अपना समय रिचर्ड के साथ बिताती है और उसे अपने यहाँ का डांस भी सिखाती है। लिली को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता। वो रिचर्ड को किसी गैर औरत के साथ नहीं देख सकती। वो इस बारे में रिचर्ड से शिकायत लगाती है। रिचर्ड कहते हैं कि सिल्विया से लिली को रहने का तरीका सीखना चाहिए, कपड़े पहनने का तरीका सीखना चाहिए। वो कैसे कपड़ों में ढक कर रहती है, अपने आप को सजाती संवारती है, ये सब लिली को सीखना चाहिए। लिली बाद में ट्राई भी करती है। वो सिल्विया के लिपस्टिक को अपने पूरे चेहरे पर लगा लेती है। उसे नहीं मालूम कि उसे कितनी लिपस्टिक लगानी चाहिए। रिचर्ड कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। वो आज सिल्विया को फिशिंग सिखाने ले जा रहा है। इधर जब लिली नग्न अवस्था में नहा रही है तब सिल्विया का फादर किनारे पर बैठा उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर आती है सिल्विया का फादर उसे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। लिली इसे इनकार कर देती है। इसके बाद वो लिली को लिए घर आया है, यहाँ उसका बलात्कार करने जा रहा है। इधर सिल्विया भी रिचर्ड को आकर्षित करने की कोशिश करती है। वो जब रिचर्ड के साथ चुंबन क्रिया करने जाती है तब रिचर्ड को गुस्सा आता है। वो सिल्विया के हवस से भरे इरादों से वाकिफ हो चुका है। वो गुस्से में लिली के पास आया है। यहाँ वो देखता है कि सिल्विया का फादर लिली के साथ बलात्कार कर रहा है। रिचर्ड उस पर हमला करता है। सिल्विया के फादर के पास गन है। वो गन से रिचर्ड पर फायरिंग करता है। रिचर्ड बच जाता है। रिचर्ड भी गन छीनकर चलाने जाता है पर उसे चलाना नहीं आता। यहाँ दोनों में लड़ाई होती है। बाद में रिचर्ड भागता हुआ समंदर की तरफ जा रहे हैं। रिचर्ड पर कई फायरिंग होती है
पर रिचर्ड बच जाता है। वह यहाँ तैराकी करने लगता है। सिल्विया का फादर भी तैराकी जानता है, वो भी स्विमिंग करने लगता है। रिचर्ड उसे डिस्गाइज करता हुआ शार्क के नज़दीक लाया है। वो खुद तो तेज़ी से स्विमिंग करता हुआ बच जाता है, पर सिल्विया के फादर को शार्क के हवाले कर दिया है। इस तरह सिल्विया के फादर की मौत हो गई। अब रिचर्ड लिली के पास पहुंचा है। लिली से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर्ट किया। लिली यहाँ बताती है कि उसके अंदर एक बच्चा है। ये सुनकर रिचर्ड काफ़ी खुश हुआ है। सिल्विया और उसके साथी अभी भी इन दोनों को साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। रिचर्ड लिली से साथ चलने को कहता है। लिली कहती है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपने बच्चों को ऐसे सिविलाइजेशन में नहीं रेस करूँगी जहाँ गोलियाँ चलाई जाती हों, जहाँ औरतों के साथ ज़बरदस्ती होती हो। इसके बाद से रिचर्ड ने भी यहाँ से जाने का इरादा छोड़ दिया है। दोनों को रियलाइज़ हुआ है कि अगर यहाँ ये एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं, अपने बच्चे को रेस कर सकते हैं, तो भला सिविलाइजेशन की इन्हें क्या ज़रूरत। इस तरह कुछ समय के बाद लिली ने एक लड़की को जन्म दिया है। तीनों यहाँ खुशी से रहते हैं और अपने बच्चे को रेस करते जा रहे हैं। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड पर।